everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class chapter 5, separation of substance revision explanation. Okay, this is a revision video, so you have to see this video properly. All the explanation part is given in this video only. Okay, now see students, this is your fifth chapter. Okay, separation of substances. So here in this chapter we'll talk about separation, अलग करना कुछ substances को. Okay, it means last हमने पढ़ा था sorting materials into groups. हमने कई सारे materials लिए थे, different materials we have taken and we separate and then we mention in the table कि which material is made of it. Okay, so here in this chapter separation of substance we'll talk about. Here please look at this. इन आर डेली लाइफ एज यू नो लट्स ऑफ थिंग्स, हमने जो सॉर्टिंग मटेरियल्स पढ़ा था उसी में ऐसा ही था कि डेली लाइफ में जो भी सब्सटेंसेज, जो भी मटेरियल यूज होता था, ओके, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने जितना एक ग्रुप बनाया एंड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रुप वी पुट इट दैट कि कौन सी चीजें किस से बनी हैं. हियर सेम लाइक दैट कि इन आर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंस, ओके, वैन वी नोटिस कई सारे ऐसी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कि देर आर मैनी इंटेंसेस वैन वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं सब्सटेंस बींग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल. कोई मटेरियल है, सपोज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल चाय है, टी है, तो चाय को सेपरेट, मतलब अगर हम छन्नी में जैसे छानते हैं, ओके, तो टी के जो लीव्स होते हैं क्या छोड़ देती है, उसमें लिक्विड एंड स्ट्रेनर से हम लोग जब छानते हैं, ठीक है, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, तो जो पत्ती होती है वो अलग हो जाती है और लिक्विड मटेरियल हमारे कप में होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इन दिस चैप्टर, ओके, तो ये सेपरेशन जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टी लीव्स सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जब टी प्रिपेयर करते हैं तब ऑन दैट टाइम यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर वाइल प्रिपेरिंग टी. 5.1 फिगर यू कैन सी, दिस इज सेपरेटिंग टी लीव्स, ओके, किस में, विद स्ट्रेनर, अलग से स्ट्रेनर छलनी छालने से अलग कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट सी, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ स्टॉक्स, ओके, जो छानने वाली छलनी होती है ग्रेन्स, अनाज को हम लोग छानते हैं, वाइल हार्वेस्टिंग भी करते हैं. मिल्क ऑफ कर्ड इस चर्न चलाया जाता है टू सेपरेट द बटर, बटर को उसमें से अलग करने के लिए मिल्क और जैसे कर्ड मतलब जो दही होता है उसको बनाया जाता है अलग करने के लिए, एज वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है. तो चैप्टर 3 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको ये चैप्टर समझ में ना आए तो प्लीज़ लुक एट दिस, कॉन्सेंट्रेट दैट चैप्टर नंबर 3 ऑल्सो. सो वी आर सेपरेटिंग ओके बटर फ्रॉम कर्ड. In 5.2 figure you can see, as we learn in chapter 3, okay, we gin cotton to separate its seeds from the fiber. जैसे chapter 3 में हमने क्या पढ़ा था, fiber to fabric था ना, okay, so fibers को cotton जो होते हैं cotton को, ठीक है, separate करते हैं उसके seed में से, okay, from the fiber, okay, and its के जो seeds होते हैं उसमें से हम cotton को separate करते हैं, okay. So perhaps you might have eaten salted dalia and poha. Okay, maybe अगर आपने कभी dalia and poha खाया है, ठीक है, poha जब खाते हैं तो if you found that it has chilies, अगर ऐसे पोहे में आपको chilies निकल जाए तो आप उसको separate कर देते हो, अलग कर देते हो. You may have carefully taken them, क्योंकि अगर आप मिर्च खा लोगे तो आपको ईटिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेगा, एंड बिफोर आउट ईटिंग, खाने से पहले आप देखते हो उसमें कोई चिलीज तो नहीं है या फिर लाइक ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो तो नहीं है. सपोज यू आर अ गिवन बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास, आस्क द सेपरेट देम. सपोज आपको एक कंटेनर देते हैं, ठीक है, ये हैं आपके, ठीक है, गुआवास, ये है आपके मैंगोज, ठीक है, ये आपके जो मैंगोज हैं, तो आपको उनमें से मैंगोज अलग करने हैं, गुआवा अलग करने हैं, तो आप विल यू डू दिस, तो दिस इज अ सेपरेशन मैथड, इसे ही कहते हैं सेपरेशन मैथड. क्या बोलते हैं इसे, सेपरेशन मैथड कहते हैं, तो उन्हें हम सेपरेट करेंगे. वॉट वुड यू डू, क्या करोगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट, पिक आउट वन काइंड एंड दैम, हम लोग एक टाइप का क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, एंड दैम सेपरेट कंटेनर, राइट, हम लोग अलग कर देंगे.
So right, understood everyone this paragraph? Next paragraph seems easy. Okay. And first paragraph I explain about ke suppose you have given basket containing okay mangoes, guavas. So aapko separate karna hai. This is a separation method. Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller? Okay, ये बहुत easy दिखता है, but अगर if material we want to separate, एक बहुत छोटे से छोटा material हमें separate करने दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? See, in this picture you can see figure 5.2. Butter is taken out by churning milk or curd. जब हम लोग इसके इस तरह से चलाते हैं, churning करते हैं, ठीक है, मचते हैं उसको, ठीक है? So that is called churning method is going on here. So here, कि this churning method and butter is taken out. Butter निकाला जाता है. पता है, village, some people do this thing. ऐसे चीज़ें करते हैं कि churning method से वो butter किसके milk को चलाने पर या curd दही जो चलाते हैं ना, छाछ बोलते हैं आप गुजराती में, तो छाछ वगैरह ये सब चलाने के लिए churning method का use किया जाता है. Okay, so this churning method is used in this method. And now here, next. Then mangoes और guava. Mangoes guava तो separate आप आराम से कर सकते हो. This is a big thing, okay? बहुत बड़ी चीज़ें हैं mangoes and guava. But आपको smaller चीज़ें दी जाए, बहुत छोटी से छोटी चीज़ें दी जाए, तो what will you do? Imagine you are given a glass of sand. Okay, glass of sand with salt mix in the end. Okay, mix sand, रेत भी दे दिया है और salt भी. See, both things are very small. अब उसको separate कैसे करोगे? Is it possible or not? रेत भी मिला दिया है और सॉल्ट भी मिला दिया है. फाइन, सो हाउ कैन यू डू? आप कैसे कर सकते हो? रेत और सॉल्ट वो तो बहुत स्मॉलर हैं, ओके, और उन दोनों को अलग करना इट्स इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल ही है इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. इवन हैंड से तो इम्पॉसिबल ही है. क्यों? आप किसी भी ग्रेन्स अनाज में से, ऐसा अनाज यानी सैंड रेत में से, आप मिक्सचर में से क्या निकाल रहे हो? सॉल्ट निकाल रहे हो. कैसे पॉसिबल है? सो इट्स अ वेरी हार्ड. दिखने में आपको इजी लगता है कि हाँ गुआवा और मैंगो को अलग करना है तो हम सेपरेशन मेथड कर देंगे, बट ये सेपरेशन का जो चैप्टर है ये ऐसा नहीं है कि सब चीज़ का सेपरेशन करना पॉसिबल है. इट्स इम्पॉसिबल कि सॉल्ट में सैंड में से सॉल्ट निकालना एंड ऑल. बट वाई वुड We need to separate substance like this at all. ये जो है she is thinking, पहली wants to know, जानना चाहती है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें separation करना पड़ता है. Separation method ज़रूरी क्यों है? She is asking, okay? And here, now activity one will do. You'll get to know that कि separation करना क्यों ज़रूरी है. Table 5.1 में हमने देखा, right? Table 5.1 में हमने देखा, okay? तो यहाँ पर हम लोग table 5.1 में दिया हुआ है कि few processes of separation. Okay, next page में दिया हुआ है few process of separation. The purpose of separation, the way separated components are used in is mentioned in column 2 and column 3 respectively. Column 2 and column 3, I'll show you one table, and this table, as you know very well, this table you have to draw in your homework notebook. Okay, and listen everyone, you all are writing test also in your फेयर नोटबुक. वाई? इट्स अ वेरी वेरी ओके नॉट टॉलरेटेबल. ये टॉलरेटेबल नहीं है कि आप टेस्ट पूरा का पूरा रॉन्ग कर दिया जाएगा, टेस्ट आप फेयर नोटबुक में लिख रहे हो. ओके, सो डोंट राइट. सो हियर वन मोर थिंग, के आपको जो भी टेबल दिए जाते हैं वो आपको होमवर्क नोटबुक में ही करने हैं, ठीक है? सो हियर दिस टेबल आई टेल यू के कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज गिवन. हाउएवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन कॉलम 2 एंड 3 इज jumbled up. So can you match it? Okay, see everyone, this is your table, column 1, column 2, column 3. So why do we separate substances? Iska answer isi mein, ye question aapko pucha jayega ki why do we separate substances? Hum log substances ko separate kyun karte hain? See everyone, so here first separate stones from rice, separation process. Theek hai, separation process. Purpose for which we do these, the separation. Purpose for which, okay, we do the separation. Understood everyone? Separation process. Purpose for which we do the separation. What do we do with the separated components? What do we do with the separated components?
सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. अब सेपरेट करना स्टोन फ्रॉम राइस में से, जैसे चावलों में से कंकड़ियाँ निकालते हैं लाइक दिस, ठीक है, आपके घर में आपकी मम्मी करती होंगी. सेकेंड, पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन. क्या पर्पज़ है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट टू यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है, दो यूजफुल कंपोनेंट को अलग करने के लिए वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड कंपोनेंट्स उसे फेंक देते हैं. वॉट डू वी डू विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, चावल में से कंकड़ियाँ ही फेंकोगे ना, चावल तो नहीं फेंकोगे, जो राइस है उसमें से अगर स्टोन निकलते हैं तो स्टोन को तो आप कंटेन करके नहीं रखोगे, बिकॉज हमें खाना क्या है, राइस. ओके, अंडरस्टूड एवरी वन? सो नेक्स्ट है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. हम लोग अभी जब छाछ चलाते हैं तो उसे बटर निकलता है उसमें से, तो दिस इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. ऑब्टेन मतलब बटर को प्राप्त करना, बटर को निकालना. सो क्या होता है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें से नॉन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ओके, जो यूजफुल नहीं होते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. क्योंकि पर्पस हमारा क्या है कि जो यूजफुल नहीं है उस चीज़ को हमें थ्रो आउट करना है. क्या फेंकते हैं उसमें से, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, उसमें से जो अशुद्धता होती है इम्प्योरिटीज़ वो हम लोग थ्रो कर देते हैं. सेकेंड एंड फर्स्ट पता चला, सेपरेशन प्रोसेस. थर्ड, सेपरेशन टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स. अब टी लीव्स जो करते हैं सेपरेट टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, बिकॉज जो हम लोग पूरा का पूरा जो लीव्स टी का ले लेंगे तो वॉट विल हैपन कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, तो वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम लोग दोनों कंपोनेंट्स यूज सकें, इसीलिए हम लोग सेपरेट करते हैं टी एंड लीव्स. क्या सेपरेट टी लीव्स, टी और लीव्स को अलग अलग क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लीव्स का भी यूज़ कर सकें और टी का भी यूज़ कर सकें. दोनों चीज़ मिक्स करेंगे तो हार्मफुल कंपोनेंट, हमें इम्प्योरिटीज होती है हार्मफुल कंपोनेंट्स को दूर करते हैं. और दोनों चीज़ कंपोनेंट का यूज़ करने के लिए हमारा मेन पर्पस क्या है कि दोनों चीज़ का यूज़ कर सके. यहाँ पर स्टोन का यूज़ नहीं कर सकते इसलिए इसको फेंक देते हैं, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ वेस्ट हैं इसीलिए इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं, ठीक है. सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, सेपरेट टी लीव्स. अंडरस्टूड दिस टेबल एंड यू कैन ड्रॉ दिस टेबल इन योर होमवर्क नोटबुक. नाउ सी हियर इज गिवन के कैन यू मैच इच प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड दे वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस यूज करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज, हमें हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज निकाल लेने चाहिए, दैट मे बी मिक्सड विद इट, ओके, ताकि वो उसमें से मिक्सड ना हो जाए. समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कभी कभी हम लोग सेपरेट करते हैं यूजफुल कंपोनेंट, वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, क्योंकि हमें सेपरेटली उसका यूज़ करना है, ठीक है, वी नीड टू यूज़ सेपरेटली, हमें सेपरेटली उसका यूज़ करना है. अंडरस्टूड एवरीवन? इसीलिए हम लोग उसका सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है. यूजफुल चीज़ें भी तो सेपरेट करते हैं ना, जैसे यूजफुल चीज़ें में बताया था कि गुआवा एंड मैंगोज, अब दोनों ही यूजफुल हैं, तो दोनों यूजफुल हैं तो उनको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, और दोनों ही खाने लायक है. ऐसा नहीं कि गुआवा को फेंक दोगे तो मैंगो को रखोगे, और मैंगो को फेंक दोगे तो गुआवा उसको रखोगे, दो. सो हियर समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स एंड इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, ओके. सी द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पर्टिकुलर, ओके, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड मटेरियल. सी एवरीवन द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस सेपरेट करते हो, मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, उसके पार्टिकल अलग अलग साइजेस के होते हैं, मटेरियल्स एंड ऑल दिस, ओके, दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, किसी भी स्टेट में हो सकता है, ओके, तीन स्टेट्स होते हैं, दैट इज नॉट दैट टाइप ऑफ स्टेट्स के राजस्थान, ओके, गुजरात एंड ऑल, बट हियर दीज थ्री टाइप ऑफ लिक्विड स्टेट्स और सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट्स, ओके, दीज आर स्टेट्स, मैटर के स्टेट्स होते हैं ना, एज यू नो वेरी वेल, सो थ्री स्टेट्स होते हैं, तो हियर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टूगेदर विद दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अगर उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है तो कैसे सेपरेट कर पाओगे. सी एवरी वन कॉन्सेंट्रेटली कि हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टूगेदर, सारे जो भी सब्सटेंसेज हैं अगर वो मिक्स हो जाएंगे, इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और अगर वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं तो हमें कैसे सेपरेट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैथड दी है, मैथड्स ऑफ सेपरेशन.
separation method is given in your textbook. So please concentrately look at this video. This video is very, very important for you. Okay, this understood you this paragraph and this table you understood or not? Agar nahi aayegi samajh mein, toh please video ko I think 3 to 4 times dekho. So you will get to know what I am explaining. तो कोई भी सब्सटेंस का यूज करने से पहले हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है बिकॉज वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज. रिमेंबर दिस थिंग कि वो चीजें मिक्स ना हो जाए, इसीलिए कभी कभी हम सेपरेट करते हैं यूजफुल कंपोनेंट्स भी बिकॉज हमें अलग अलग पर्टिकुलर उसका यूज करना पड़ता है. अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ सी, मैथड ऑफ सेपरेशन. एवरीवन, मैथड ऑफ सेपरेशन, प्लीज लुक एट योर मैथड ऑफ सेपरेशन. We will discuss some examples, some simple methods. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. हमारे पास एक बहुत सिंपल मैथड है जो सारे सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद हम लोग उसे सेपरेट करते हैं. तो यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मैथड्स बींग यूज इन अ डे टू डे एक्टिविटीज. हम डेली जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग वी गेट टू नो दैट कि हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं डेली एक्टिविटीज़ में. एक्टिविटी टू में हैंड पिकिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी टू हैंड पिकिंग इज देयर. लिसन एवरीवन, हैंड पिकिंग इज देयर. एक्टिविटी टू व्हाट वी हैव टू डू, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप. आप किसी शॉप से या कहीं भी किसी दुकान से, अच्छे से दुकान से, शॉप से अपने क्लासरूम में एक फूड पैकेट लेके जाओ. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. कोई ग्रेन का पैकेट लेके जाओ अनाज का और उसको अपने क्लासरूम में या अपने घर पर किसी पेपर पर स्प्रेड कर दो लाइक दिस. ओके, कोई पेपर लेके आप स्प्रेड इन कर सकते हो. ठीक है, कोई भी आप ग्रेन का पैकेट लेके गए इस वाइट पेपर पर आपके घर में, उसको क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, फैला दो इस तरह से. ठीक है, अब आपको देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ. यहाँ पर ये जैसे कुछ चीज़ें हैं, अब ये अलग अलग एंगल के शेप में कुछ है. ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपको सेपरेट करना है इसमें से और इसमें से भी कुछ सेपरेट करना है. ठीक है, कैन यू सी? तो कैन यू सेपरेट नाउ? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एंगल्स आर गिवन एंड हाउ मेनी सर्कल्स आर गिवन? ओके, सपोज दिस इज योर ग्रेन्स एंड दिस इज योर लाइक चॉकलेट एंड ऑल. ओके, सो डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन दिस? ओके, क्या आप एक ही टाइप का ग्रेन फाइंड आउट करोगे? सो सी एवरीवन, द शीट ऑफ पेपर ना आर 3 pieces ऑफ स्टोन. 3 pieces ऑफ स्टोन्स हैं जो हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पर्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट. इट मीन्स वॉट? उसमें स्टोन्स होंगे, हस्क होंगे, ब्रोकन ग्रेन्स, टूटे हुए जो ग्रेन्स होंगे वो होंगे, एंड पार्टिकल्स होंगे ऑफ एनी अदर ग्रेन इन उसके कोई और ग्रेन्स के. सपोज आपने ग्रेन लिया, ठीक है, अब किसी और ग्रेन्स के, जैसे आपने राइस लिए, राइस में शायद वीट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, वीट भी शायद मिक्स हो गया हो. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो उसमें मिक्स हो जाती हैं. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क, अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब ये सारी चीज़ें तो आप ही को फाइंड आउट करनी है. अंडरस्टूड? कैसे? आप अपने हैंड से, आपकी मम्मी करती होंगी, राइट? तो ओके, एंड हस्क का मीनिंग जैसे भूसा नहीं होता है, भूसा जैसे गाय को देते हैं हम लोग, ठीक है, उसे बोलते हैं हस्क, छिलका कहते हैं. ठीक है, पिलिंग जैसे किसी भी मैंगो या चीकू का पिलिंग करते हो आप, छिलका होता है वो, जिस स्किन कहते हैं ऊपर की, उसे हस्क कहते हैं. ठीक है, वो भी अलग करोगे. कुछ भी हस्क उसमें छिलका आ गया हो या कोई भी ऐसा भूसा आ गया हो उसे आप रिमूव कर सकते हो. सो हियर दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट. सी, जो ये मैथड है, दिस मैथड इज हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज. क्या सेपरेट करने के बाद थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में इम्प्योरिटीज एंड लाइक द पीस ऑफ डर्ट. जो गंदगी होती है उसका एक पीस होता है स्टोन, हस्क, मैंने अभी बताया जो भूसा होता है वो, फ्रॉम वीट, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं. पता है आपको, आपके घर में तो क्लीन राइस आते हैं, क्लीन वीट आते हैं, फिर भी आपके घर में आपकी ग्रांड मदर या मम्मी क्लीन करती है. वाई? क्योंकि उसमें हस्क होता है, स्टोन्स होते हैं, तो ताकि आपके खाने में ना आए. सो दैट्स वाई वी सेपरेट ऑल द थिंग्स, हस्क, स्टोन्स, एवरीथिंग, पीस ऑफ डर्ट एंड सम इम्प्योरिटीज, लार्जर साइज इम्प्योरिटीज. सो राइस है, पल्सेस, दाल हैं, उनको भी देख के खाना चाहिए. इन फिगर 5.3, ओके, आई विल टेल यू फिगर 5.3 में. देखो ये मैन है ना,
ये सब चीज़ों को सेपरेट कर रहा है. देखो कितने सारे स्टोन्स निकलते हैं. अंडरस्टूड, हैंड पिकिंग से भी आप ध्यान से इसे कर सकते हो. ठीक है, नाउ सी के यहाँ पर दिया हुआ है कि राइस हो, वीट हो, पल्सेस हो, सारी चीज़ों में इम्प्योरिटीज़ होती हैं. द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़, इनकी क्वान्टिटी कितनी होती है, तो यूजअली नॉट वेरी लार्ज, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं होती, थोड़े थोड़े होते हैं. ठीक है, इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मैथड टू सेपरेट सब्सटेंसेज. सबसे बेस्ट मैथड है हमारे हैंड पिकिंग, हाथों से रिमूव करना. हैंड पिकिंग जो है वो सबसे बेस्ट मैथड है स्टूडेंट्स. सो ऑल दीज मैथड्स आई विल टेल यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू डेफिनेटली, एंड थ्रेशिंग मैथड ऑल्सो आई विल टेल यू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन इज फाइंडिंग. ओके, इसमें से निकाल रहा है ये वुमेन. इसी तरह आप अपने घर में जब भी कोई इम्प्योरिटीज़ वाली चीज़ें उसमें हो, ठीक है, कोई भी ग्रेन या वीट में, यू हैव टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़. अंडरस्टूड दिस हैंड पिकिंग मैथड. हैंड पिकिंग मैथड के बाद जो थ्रेशिंग मैथड है आई एक्सप्लेन यू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड पिकिंग मैथड आपको अच्छे से समझनी है, देन सम पिक्चर्स, सम वीडियो आई एक्सप्लेन यू. एंड दिस इज ऑल्सो कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, everything I'll tell you, okay? In next video, it means just you have to see whole video properly. ये सारा video पहले आपको properly देखना है. Activity 1 we have done, activity 2 also we have done, कि हमें packet लेना है grains का किसी shop से और आप अपने उस paper पर separate करो. Separate करने के बाद आपने देखा कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें से, broken grains, particles, stone, husk and everything. Okay? So in this activity you have to do hand picking method के according आपको जो भी एक्टिविटी करनी है यू कैन डू स्टूडेंट. ओके, सो नाउ दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ, थ्रेशिंग. ओके, थ्रेशिंग मीन्स खलिहाल कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स, ओके, लाइंग इन द फील्ड. आपने बहुत सारे बंडल्स देखे होंगे अनाज के, वीट के, ओके, फील्ड में. एंड थ्रेशिंग इन द सेंस खलिहाल, मतलब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. थ्रेशिंग इन द सेंस कि अगर आपने पैडी, अनाज और वीट के बहुत सारे बंडल्स देखे हैं फील्ड में, सो हियर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन. जो स्टॉक्स होते हैं वो सूखते हैं, ओके, एंड सन की रेज में, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. जब तक उसमें से, ओके, जो ग्रेन है, जो अनाज है हम लोग खाते हैं, वो अलग ना हो जाए तब तक उसे सूखते हैं, पहले कि सुखाने रखते हैं. किसमें हम लोग जो सन रेज होती है ना उसमें सुखाने रखते हैं. और स्टॉक्स मतलब वो जो डंडल होते हैं, इन द सेंस उसका पूरा बेस होता है, आधार. ओके, तो जैसे कहते हैं ना, किसी क्रॉप्स में जब तक वो डंडल्स नहीं होते, स्टॉक्स नहीं होते, ओके, पहले वो सुखाए जाते हैं. अगर वो डायरेक्टली आप लोग वीट निकालोगे उसके अंदर से, ठीक है, क्रॉप्स में से, तो वो नहीं निकलेंगे. सो हियर सी, सो दिस इज़ अ स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड. जब ग्रेन सेपरेट करते हैं उससे पहले उसको सुखाया जाता है. पूरे बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं, पता है, स्टॉक्स होते हैं, डंडल्स होते हैं फील्ड में. इट स्टॉक्स हैव मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. एक स्टॉक्स के अंदर कई सारे ग्रेन, जैसे ये स्टॉक्स है, ओके, इसमें कई सारे ग्रेन अनाज स्टिक्ड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद पहले इसको ड्राई किया जाता है, ये पूरे डंडल को ड्राई किया जाता है, ठीक है, पतला सा होता है उसमें. आप देखते हो कई सारे हम लोग अनाज देखते हैं, ठीक है, वीट फ्लोर आपने देखा, वीट का पूरा क्रॉप्स देखी है, तो वो सारे वीट्स जो होते हैं इस तरह से, वो जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें से ग्रेन्स नहीं निकाल सकते हैं, अनाज नहीं निकाल सकते हैं. अंडरस्टूड, तो उनको सेपरेट करने के लिए पहले उन्हें सुखाना पड़ता है. देन एक जो स्टॉक होता है उसमें कई सारे ग्रेन सीड्स होते हैं, अटैच होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स. सपोज कि इमेजिन करो कि द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड. ओके, अंडरस्टूड, कि इमेजिन करना है कि जो नंबर ऑफ ग्रेन है, ओके, सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, कई हजारों के हंड्रेड्स में, मतलब सौयों बंडल्स होते हैं स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, फैले होते हैं फील्ड में. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल स्टॉक. अब फार्मर कैसे उसको सेपरेट करता है, विल सी हियर, कि जो फार्मर है वो किस तरह से उसको क्या करेगा, अलग करेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगता है इसमें ये अलग करने में, क्योंकि जब स्टॉक्स बड़े बड़े होते हैं, बंडल्स एंड ऑल, तो उन्हें अलग करने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, कि यहाँ पर हम लोगों को जो भी चीज़ दिख रही है, ओके, इट मीन्स अभी हमने
किसके बारे में पढ़ा? लाइक हैंड पिकिंग. और आप पढ़ेंगे थ्रेशिंग. थ्रेशिंग के बारे में पढ़ेंगे. नाउ फील्ड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ओके, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, और उसमें से हमें ग्रेन निकालना है. मतलब फार्मर के लिए कितना हार्डवर्किंग हुआ ये वर्क. वन में प्लक मैंगोज. अगर कोई मैंगोज और गुआवा ट्रीज में से निकालता है, ठीक है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवा. आपको सिर्फ इतना बोला जाता है कि आप किसी ट्री में से क्या निकालो, मैंगो गुआवा कोई फ्रूट निकालो, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री और उसमें से अलग अलग गुआवा एंड मैंगोज को निकालो, कितना डिफिकल्ट होगा. सो सेम लाइक दैट कि हियर ये तो बहुत बड़े हैं फिर भी आप निकाल लेते हो, बट सीड्स छोटी होती हैं, मच स्मॉलर मैंगोज एंड गुआवा. सो प्लकिंग देम फ्रॉम स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल. उसमें से प्लकिंग करना इट वुड बी इम्पॉसिबल. उसमें से प्लग करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरी वन? सो हियर सी हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन, एक सेपरेट ग्रेन सीड स्टॉक में से कैसे निकाला जाता है. सो हियर वी लर्न अबाउट इट. ओके, नाउ द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट grain from stock etc. The process that is used to separate grain from stalks. Okay, जो process होती है separate करने की grain को from stalks में से, उसे क्या कहा जाता है, is threshing. उसे क्या कहा जाता है, is threshing. मतलब खलिहाल होता है ना, जिसे threshing कहा जाता है. ये देखो, ये जो farmer है, what he is doing, threshing कर रहा है. मतलब देखो, एक एक खलिहाल, मतलब एक एक स्टॉक में से ये अनाज निकालना, ठीक है, गेहूँ को जो होते हैं ना, गेहूँ कहते हैं, wheat, वो पूरे के पूरे बंडल में से निकाल के अलग से रखना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो सेम लाइक दैट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? तो द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड. 5.4 फिगर में आप देख सकते हो कि इन दिस पिक्चर द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज़ थ्रेशिंग. उसे क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन, पीटा जाता है. मतलब ये जो स्टॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको से पटक पटक, जैसे आप कपड़े वॉश करने के टाइम पे आपकी ग्रैंड मदर या मम्मी जैसे कपड़े वॉश करते हो, लाइक सेम लाइक दैट, इसी तरह से वो पीटा जाता है, ठीक है, उसे. और उसके पीटने के बाद, सो हियर उसे अच्छे से, मतलब स्टॉक्स को बीट करके एंड फ्री किया जाता है ग्रेन सीड को. इन दिस पिक्चर यू कैन सी, एंड वन वीडियो आई विल शो यू डेफिनेटली, बट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली सी दिस ऑल द वीडियोज हियर. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, ओके, बुलक्स. बुलक्स से भी किया जाता है, बुलक काट कहते हैं ना. एंड मशीन्स आर ऑल्सो यूज इन थ्रेश लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन. बहुत सारी क्वान्टिटी में जो ग्रेन होता है उसको अगर थ्रेशिंग मैथड से यूज़ किया जाए तो उसमें भी हम लोग कई सारी मैथड यूज़ करते हैं. बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर है थ्रेशिंग के तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, मशीन एंड ऑल. सो थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. ओके, थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. इससे बुलक की हेल्प से भी किया जाता है. मशीन आर ऑल्सो यूज थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. ओके, सो हियर अंडरस्टूड एवरीवन कि दिस इज़ नेक्स्ट मैथड, विनोइंग. विनोइंग इज़ वॉट? अभी आपने फर्स्ट पढ़ा हार्वेस्टिंग, सॉरी हैंड पिकिंग, ओके, एंड फिर देन थ्रेशिंग, एंड हियर विनोइंग. एक्टिविटी थ्री वी हैव टू डू के मेक अ मिक्सचर टू ड्राई ऑफ सैंड. मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, जो सूखी रेत होती है वो, विद द सॉडस्ट पाउडर्ड ड्राई लीव्स. ओके, ये लिखना है, मिक्सचर लेना है आपको, किसका, पाउडर ड्राई लीव्स का, सूखे पत्तों का पाउडर एंड ड्राई सैंड. ओके, यू हैव टू टेक. सो नाउ वॉट विल यू डू स्टूडेंट, सी एवरी वन, प्लीज कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो. दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर पर रखना है. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. कैन द टू डिफरेंट कम्पोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली? क्या दो कम्पोनेंट्स आप अलग अलग कर सकते हो ईजीली? एक तो सॉडस्ट है प्लस पाउडर, मतलब पाउडर फॉर्म है वो लीव्स का, दूसरा है आपका सैंड, ड्राई सैंड. तो कैसे अलग अलग कर सकते हो? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कम्पोनेंट्स मीन सिमिलर? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कम्पोनेंट्स बाई हैंड पिकिंग? क्या हैंड पिकिंग से पॉसिबल है या थ्रेशिंग मैथड या किससे पॉसिबल है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर ग्रेन में आपकी लाइक सैंड, रेत या डस्ट अंदर रहता है तो आपको उसको कैसे अलग करोगे? हैंड पिकिंग तो पॉसिबल ही नहीं है.
तो डैट इज़ विनोइंग मैथड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि विनोइंग मैथड है जिससे हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर विनोइंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द एयर. एयर का डायरेक्शन दिख रहा है, सूप. आपके पास ऐसा सूप है जिससे हम लोग जो वीट है उसको लाइक छानते हैं, नहीं किस तरह क्लियन करते हैं विनोइंग मैथड से. हस्क, उसमें जितना भी हस्क मटेरियल होता है वो अलग उड़ जाता है, ठीक है. और नाउ दिस इज़ अ ग्रेन, ओके. अब इसके अंदर जितना भी डस्ट होगा वो अलग हो जाएगा, हस्क मटेरियल एंड सूप जो होते हैं, सूप लेते हैं इस तरह का, ठीक है. ये सूप लिया एंड दैट इज़ नॉट सूप, दैट सोप, ओके. दैट इज़ सोप, डायरेक्शन ऑफ एयर. अगर हवा का एयर ऐसे आपका डायरेक्शन इस तरह से है तो हस्क यू कैन रिमूव एंड ग्रेन यू कैन पुट हियर. इस तरह से प्रॉपर विनोइंग मैथड से आप कर सकते हो. तो हियर क्या करना है, देखो आपने ये तो देखा कि ये कंपोनेंट को अलग करना हैंड पिकिंग से पॉसिबल है या नहीं. तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म. थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म पर टेबल लेके आप स्टैंड खड़े हो जाओ, ओके. नाउ पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. उसको किसी शीट पर या किसी भी प्लेट पर आप पुट कर सकते हो. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर होम, ओके, शोल्डर हाइट. मतलब होल्ड द प्लेट, पकड़ो आपकी शोल्डर वाली हाइट पर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, ओके. टिल्ट इट स्लाइटली, तब तक आप उसको स्लाइटली करते रहो. सो दैट द मिक्सचर साइड आउट स्लोली, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. अलग अलग हो जाएगा वो मिक्सचर. तो व्हाट हैपन्स, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? नो. इज देयर अ कंपोनेंट ऑफ ब्लोज अवे. जो कंपोनेंट क्या उड़ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट उड़ जाएगा? तो डिड द विंड, सी एवरीवन, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट. जो विंड है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि किस कौन सा सब्सटेंस, कौन सा कंपोनेंट्स को ब्लो हवा में उड़ाना है और कौन सा नीचे आएगा, ठीक है. तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग मेथड. क्या बोला जाता है इसको, विनोइंग मेथड. दिस मेथड ऑफ सेपरेशन सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ दिस. लिसन एवरीवन, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स, ऐसी मेथड जो कंपोनेंट को सेपरेट करती है मिक्सचर के, उसे क्या कहा जाता है, विनोइंग. थ्रेशिंग किसे कहा जाता है, कि बहुत सारे बंडल्स में से आप ग्रेन को अलग कर रहे हो, ओके, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, दैट इज थ्रेशिंग. हैंड पिकिंग मतलब जैसे आप किसी राइस को साफ कर रहे हो अपने हाथ से, उसमें से स्टोन्स निकालना, कोई अनवांटेड सब्सटेंस निकालना. Now here winnowing method kise kehte hain, she is doing like that, that is called winnowing method. Direction of the air is different and soap and husk and grain. Now finally we are getting grain. So winnowing is used to separate heavier and lighter components of the mixture. Heavier bahut zyada bhari aur light components ko alag karne ke liye winnowing method ka use kiya jata hai. Aur isme kiska use hota hai, wind, hawa chalti hai, okay, jab air chalti hai, air hawa chalti hai, tab iska use अच्छे से होता है. और इसका यूज़ करने पर हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, ओके. अंडरस्टूड नाउ एवरीथिंग. विनोइंग मेथड, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, विनोइंग मेथड इज़ व्हाट, फिगर 5.5 में विनोइंग मेथड क्लियरली दी हुई है, ठीक है. एंड हियर दिस मेथड इज ओके कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल. देखो एक तो आप ये भी देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग मैथड. इसमें से जो लाइट मटेरियल है वो भी अलग हो रहा है, ओके. पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंड बाई सीविंग. ये तो अलग मैथड है, ओके, बट ये सीविंग मैथड है. बट आपने देखा ना, वो कॉमनली यूज होता है. फार्मर सेपरेट करते हैं लाइटर हस्क, उसमें से थोड़ा सा हस्क मटेरियल दूर करने के लिए फार्मर यूज़ करते हैं उस चीज़ को, ठीक है. तो विनोइंग मैथड, थ्रेसिंग मैथड एंड हैंड पिकिंग मैथड हमने देखा. अब इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो है, देन आई विल शो यू एंड आपको पता चलेगा कि जो वो हस्क मटेरियल होता है विनोइंग मैथड से कैसे दूर किया जाता है. वो भूसा कहते हैं ना जिससे, ओके, जैसे भूसा निकालना, दैट इज़ कॉल्ड हस्क. जैसे छिलका आप निकालते हो, इस तरह से कई सारे हस्क मटेरियल होते हैं जिसे हम लोग अलग करते हैं, कि रिमूव द हस्क एंड हस्क फॉर्म, ओके. इट मीन्स ड्राई आउटर कवरिंग.
जो अलग अलग सूखा सा होता है शेल कहते हैं उसको, दूसरा नेम है उसको सीड भी कहते हैं, सीड केस कहते हैं ओके। एंड द स्किन मतलब पिल छिलके होते हैं ना वो, इस तरह से उसे हम क्या कह सकते हैं हस्क। तो नाउ फ्रॉम हैवियर सीट ऑफ ग्रेन, नाउ हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, कहाँ से लाए जाते हैं, इट मीन्स लाए जाते हैं कैरीड अवे, दूर किए जाते हैं हवा से। एंड द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सीड्स ऑफ ग्रेन, ग्रेन के जो सीड्स होते हैं ओके, इट मीन्स जो बीज होते हैं ग्रेन के, उसे क्या कहते हैं गेट सेपरेट। सेपरेट कैसे होते हैं, देखो गेट सेपरेट किया जाता है, प्राप्त होते हैं सेपरेटली, ढेर होता है बहुत सारा ढेर, एक ढेर में रखा हुआ होता है एंड उस प्लेटफॉर्म के पास, एंड फॉर विनोइंग मेथड के लिए, मतलब वो सीड जो है ग्रेन की गेट सेपरेटेड एंड किस फॉर्म में होती है हीप, मतलब बहुत सारा ढेर होता है ठीक है ओके। तो हियर एक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग द सेपरेटेड हस्क, अलग की हुई जो हस्क भूसा है यूज फॉर मैनी पर्पजेस सच एज फूडर है फॉर कैटल्स। और वो भूसे को पता है क्या किसको दिया जाता है, सपोज जैसे ये विनोइंग मेथड से ये जो लेडी है ये हस्क मटेरियल रिमूव कर रही है ओके, और ये हस्क जो है ना आपको दिख रहा है ये हस्क मटेरियल, ये कैटल्स जो बछड़े होते हैं काउज होते हैं विलेज में, उनको खाने के लिए उनके फूड के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है ताकि उससे उनको ज़्यादा प्रोटीन सब मिले और उसके बाद वो मिल्क अच्छा से अच्छा मिल्क दे सकें। तो ये हस्क मटेरियल उनके खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन ओके। दिस वन मोर मैथड ओके, मैथड ऑफ सेपरेशन में सीविंग मैथड भी इंक्लूड है। नाउ सीविंग, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद द फ्लोर, हम लोगों को लगता है कि हम फ्लोर से कोई कोई डिश बनाए, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट ओके। जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं फाइन, इट मीन्स अशुद्धता जितनी भी होती है उसमें से हमें पहले वो निकालना पड़ता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग किसी लाइक फ्लोर से कुछ नई वेराइटीज़ बनाएँ एंड ऑल, एंड नाउ हियर समटाइम्स कभी कभी हमको क्या करना था, रिमूव इम्प्योरिटीज़ करनी पड़ती है, सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी पड़ती है। एंड इसे ब्रांड मतलब वही भूसा ही बोलते हैं उसको, प्रीस ऑफ ग्रेन हस्क एंड सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोर, इट मीन्स जो फ्लोर होता है उसमें से छोटे छोटे ग्रेन के पीस को हस्क मटेरियल टाइप को अलग करना पड़ता है, छोटे छोटे ग्रेन होते हैं वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं। वॉट डू वी डू, हम क्या करेंगे, वी यूज ए सीव एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट। अब वी यूज अ सीव, हम लोग यूज़ करेंगे सीविंग मेथड का एंड पॉर द फ्लोर इन टू इट। फिगर 5.6 में हम लोग क्योंकि देखेंगे यहाँ पर फिगर 5.6 विल सी, बट सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, सीविंग जो है अलाउ करती है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। एंड हियर नाउ टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, जो भी सीव में बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, पहले तो क्या करता है सीविंग अलाउ करता है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स एंड टू पास थ्रू द होल्स, उसमें से होल्स में से पास होते रहते हैं ठीक है। द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन रह जाती है और उसमें सीव में इन द फ्लोर मील ओके, हम लोग देखेंगे देखो आटा छानने की जो छलनी होती है आप लोग गुजराती में आई डोंट नो क्या कहते हैं बट हियर इसे छन्नी कहते हैं, जिससे आटा जो फ्लोर होता है उसको छानने की छलनी। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट ओके। जब हम किसी चीज़ को फ्लोर को अच्छे से ग्राइंडिंग करने जाते हैं उसके पहले हम उसको सारा रिमूव कर देते हैं हस्क को। यूजुअली ये बैग फुल ऑफ व्हीट इज पाउडर्ड ऑन अ स्लैंटिंग ओके स्लैंटिंग सीव। नाउ द सीव रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स, अब उसमें से सीविंग इसमें से रिमूव हो जाता है स्टोन्स एंड स्टॉक्स एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद द व्हीट आफ्टर द थ्रेसिंग एंड विनोइंग। देखो आपको समझ में नहीं आया होगा कि इन अ फ्लोर मील्स, पहले जो फ्लोर मील्स हैं उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव की जाती है फ्रॉम व्हीट, किस में से व्हीट में से फ्रॉम व्हीट ओके, ग्राउंडिंग ग्राइंडिंग जो होता है ग्राइंडिंग करने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट, जब आप पूरे बैग फुल पाउडर का जो पाउडर किया जाता है व्हीट को ओके ऑन अ स्लैंटिंग सीव, स्लैंटिंग सीव से, तो द सीविंग रिमूव क्या करता है वो पीस ऑफ स्टोन को रिमूव कर देता है, स्टॉक को रिमूव कर देता है हस्क, एंड दैट में स्टिल रिमेव फिर भी रह जाता है विद द व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, फिर भी इसके बाद भी रह जाती है कुछ इम्प्योरिटीज़। फिगर 5.6 में आप देख सकते हो ओके,
जैसे आटा छान लिया उसके बाद इसमें रखा, फिर भी इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती है, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बींग यूज टू कंस्ट्रक्टेड साइट, सेम ऐसी सीविंग मशीन ना कंस्ट्रक्टेड साइट पर यूज़ होती है। अभी हमने फिगर 5.7 में देखा कंस्ट्रक्टेड साइट पर ये यूज़ होती है। सी देखा है ना आपने इस तरह की कंस्ट्रक्टेड रोड बनता है या कभी कुछ ऐसा बिल्डिंग्स बनती हैं तो कंस्ट्रक्शन साइड पर भी ये सीविंग मेथड यूज़ होती है ताकि उसमें से जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो इसमें रह जाए और प्योर मटेरियल यहाँ पर बाहर आ जाए। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, जब वो सैंड का यूज़ करते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए सीविंग मशीन में ये इसका यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन कि दीज पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, पेबल्स आर स्टोन्स ओके आर रिमूव फ्रॉम बाय ओके सीविंग, इस मेथड से यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सीविंग मेथड। और अब एक्टिविटी 4 है जो हम करेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या करना है देखो, बहुत ईजी है। ब्रिंग ए सीव एंड स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम, आप अपने घर से क्या लोगे, छोटी सी क्वांटिटी में फ्लोर लो, ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी में फ्लोर लेना आटा। एंड अपने घर पे करना है सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन, अब उसको सीविंग मेथड का यूज़ करके उस फ्लोर को सेपरेट करना है कोई भी इम्प्योरिटीज। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट, अब फाइन पाउडर लो किसका, चॉक पीसेज का, एंड उसमें मिक्स कर दो विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर बाई चॉक एंड सीविंग, बाई सीविंग देखो जो फ्लोर है वो भी वाइट है, चॉक पाउडर भी वाइट है, तो कैसे सेपरेट कर सकते हो आप, पॉसिबल है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ओके, सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, बट यहाँ तो फ्लोर और चॉक पाउडर दोनों ही सेम साइज का है, सो हाउ कैन वी डू इट, तो इट कॉन्ट बी पॉसिबल। तो दैट इज सीविंग मैथड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड दिस सीविंग मैथड के अकॉर्डिंग जो भी आपके वीडियोज़ हैं आई विल एक्सप्लेन यू इच एंड एवरी थिंग, बट सीविंग मैथड आई होप यू अंडरस्टूड।